और यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉग लैम्प भी है, इसका कुछ सनरूफ इतना बड़ा है, देख सकते हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज हमारे पास है स्कॉर्पियो एंड आज इसका रिव्यू करने वाले। सो गाइस बिना देरी करते हुए इस गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस फिर स्टार्ट करता हूँ रिव्यू, इस गाड़ी के बारे में दिखाता हूँ क्या क्या है इसमें। और तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पहले महिंद्रा का लोगो क्रोम में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सिल्वर मतलब यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यूज़ किया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा लगा हुआ है, छोटा सा फ्रंट कैमरा। और यहाँ साइड की बात कर ले, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और यहाँ पे LED हाई बीम के लिए है और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटर से जो जल रहे, और ये भी LEDs में है, देख सकते हैं इंडिकेटर जो है गाइस ये भी LEDs में है। यहाँ पे हाई बीम भी देख सकते हैं LEDs में है, जो अंदर से LEDs है दिखने दिए, और कुछ यहाँ पे देख सकते हैं रोशनी, इस हेडलैम्प से इतनी ज़्यादा रोशनी हो रही है रात में तो बहुत तगड़ी होगी। और यहाँ पे LEDs तो आपको दिखा दी और डे टाइम रनिंग LEDs, और यहाँ पे छोटा सा फॉग लैम्प भी लगा है। फ्रंट से कुछ ऐसी इसकी लुक आ रही है, देख सकते हैं गाइस। और यहाँ ORVM में देख सकते हैं, यहाँ पे भी इंडिकेटर्स है LEDs में, और साइड से कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी। 240x65R 17 इंचेस के अलॉयस है इसके, देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे डबल डिस्क का ऑप्शन है, डबल डिस्क है इसमें, मतलब फ्रंट में भी है और रियर में भी डिस्क है, चारों पहियों में आपको डिस्क मिलते हैं। और यहाँ पे वाइपर्स, अभी पीछे की बात करते हैं, पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको। सो यहाँ से देख सकते हैं इसके टेल लैम्प्स, ये भी LEDs में है, और यहाँ पे इंडिकेटर्स चल रहे हैं, ये भी LEDs में है। यहाँ पे हैलोजन का यूज़ नहीं किया है महिंद्रा ने, ये काम अच्छा किया है महिंद्रा ने, यहाँ पे हैलोजन का काम मतलब कुछ यूज़ नहीं किया हैलोजन का, कोई बल्ब इसमें है नहीं वैसे हैलोजन का। और यहाँ स्कॉर्पियो एन की बैजिंग है और यहाँ पे लोगो स्कॉर्पियो का, और यहाँ पे वाइपर, रियर वाइपर और डिफॉगर और शार्किंग एंटीना देख सकते, और यहाँ पे डोर हैंडल, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेंसर है देख सकते हैं, और कुछ ऐसी लुक है इसकी। यहाँ पे पार्किंग लाइट, यहाँ पे रिफ्लेक्टर, और यहाँ बूट स्पेस देखते हैं। सो यहाँ पे बूट स्पेस देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बूट स्पेस है नहीं वैसे, पर थोड़ा सा बोल सकते हैं, यहाँ पे एक बैग भी नहीं आ सकता, बस थोड़ा सा स्पेस है, जो छोटे बैग रहते हैं स्कूल के वो आ सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़े बैग आ नहीं सकते। बट यहाँ इनको सीट को अगर नीचे कर ले तो फिर और भी एक्स्ट्रा बूट स्पेस बन सकता है, और जितना बूट स्पेस रहेगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ कहीं पे साइड में। और इसका डोर देख सकते हैड्रोलिक है, आपको हाथ को हाथ की ताकत की ज़रूरत नहीं लगेगी, आप इसको बंद कर दो और खोल दो बूट को, यहाँ पे हाइड्रोलिक दिया गया है, कंपनी ने हाइड्रोलिक दे के रखा है बूट को खोलने के लिए, ये अच्छा किया कंपनी ने। सो गाइस गाड़ी कुछ ऐसे बाहर से ऐसी दिखती है, देख सकते हैं। और यहाँ पे रूफ रेल्स इसके, ये तो मैं भूल जा रहा हूँ, यहाँ पे रूफ रेल्स लगे हैं और यहाँ पे कुछ क्रोम का यूज़ किया गया है डोर पे भी। सो गाइस अभी इसके अंदर चल के बात करते हैं, अंदर से भी दिखाते क्या क्या है क्या क्या नहीं। सो गाइस चलो फटाक से इसके अंदर चलते। तो यहाँ पे इसका ऐसा कुछ की दिखता है जो महिंद्रा की हर गाड़ियों में है, ऐसे थार में भी है और इसका भी ऐसे ही है, रिक्वेस्ट सेंसर है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं डोर, यहाँ पे चॉकलेटी कलर में, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब विंडो से कंट्रोल दिए हुए, और यहाँ पे हैंडल और गेट अनलॉक करने का यहाँ पे सिल्वर में दिया गया है, क्रोम में, क्रोम नहीं है ये सिल्वर है बट क्रोम में लग रहा है ऐसा देखने से। और यहाँ पे मिरर एडजस्ट करने के लिए
और यहाँ पे कुछ बॉटल रखने के लिए रखा है, जगह दिया गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा और अलग सी जगह दिया गया है, और यहाँ पे इसके स्पीकर्स, अब इसके स्पीकर की आवाज़ सुनाऊंगा ज़रूर से आपको। सो गाइस, इसका स्टेयरिंग कुछ ऐसा है, देख सकते हैं यहाँ पे, अभी अंदर बैठ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेयरिंग, और यहाँ पे इतना बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, और यहाँ पे सोनी की स्पीकर्स, और यहाँ पे दो टूटर्स देख सकते हैं, और इसमें एयरबैग का यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 6 एयरबैग्स है, सेफ्टी की बात करूँ तो 6 एयरबैग्स है गाइस यहाँ पे। सो गाइस, अभी इसको मैं चालू करता हूँ इग्निशन। सो गाइस, देख सकते हैं इसका इग्निशन चालू कर दिया है, और कुछ इसका, अभी इसका एसी भी चालू हो गया है। सो अभी इसको एसी को मैं थोड़ा कम कर दूं। सो गाइस, इसका कुछ मीटर देख सकते हैं, एनालॉग वाला जो क्लासिक में भी आता है, मतलब क्लासिक में भी देखा रहेगा आपने स्कॉर्पियो में, कुछ वैसा ही है पर अलग है, और यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन दी गई है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आते रहता है, और यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यहाँ पे इतना बड़ा लगा हुआ है। अभी इसका भी साउंड सुनाऊंगा आपको स्पीकर का, और यहाँ पे देख सकते हैं एसी के कंट्रोल्स, और यहाँ पे गियर हैंड ब्रेक जो है मैनुअल है, बटन के लिए अलग से बटन नहीं दिया गया है, और इसका लेदर का सीट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे इतना बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा कैबिन है ये, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, और लेग स्पेस यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सा है, मतलब पूरे पैर फैला के आप बैठ सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे कैबिन के लिए भी एलईडी लाइट दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे महिंद्रा ने कुछ अच्छा काम किया है एलईडी लाइट से, देख सकते हैं यहाँ पे कैबिन में भी। इसका कुछ सनरूफ इतना बड़ा है, देख सकते हैं छोटा सा सनरूफ है इसमें सन आने के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत स्मूथ खुल रहा है, और यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, अगर आपने अरुण पवार की वीडियो देखी रहेगी तो उनके यहाँ से सनरूफ में पानी आ गया था, बट यहाँ पे अभी प्लास्टिक का कवर लगा दिया है, देख सकते कंपनी ने, यहाँ पे देख सकते स्पीकर में उनके पानी चला गया था, बट यहाँ पे अभी कवर कर दिया गया है, और यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली बच चुकी है जो भी कंपनी कर देगी कभी ना कभी। तो गाइस, अभी मैं पीछे आ गया हूँ, और यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ किया गया है, और यहाँ पे लेदर का यूज़ किया गया है, सॉफ्ट टच है, यह हार्ड प्लास्टिक है, और ये भी हार्ड प्लास्टिक है, और यहाँ पे थोड़ा क्रोम, ग्रे क्रोम दिख रहा है, सिल्वर नहीं है, और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक पोस्ट टेप भी है जिन पे आराम से आप चढ़ के अंदर आ सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा जगह दिया गया है कुछ रखने के लिए, यहाँ पे आप रख सकते हैं फाइल वाइल, और यहाँ पे छोटी सी पॉकेट दी गई है, और ये भी तो बड़ी बड़ी पॉकेट है, दोनों साइड दी गई है सेम पॉकेट, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेग स्पेस एरिया है, आराम से आप चिल करके बैठ सकते हैं फुल पैर फैला के। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे पीछे भी एसी वेंट दे के रखे दो, और यहाँ से आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पे एक सी टाइप चार्जर का ऑप्शन दिया गया है कंपनी ने, और यहाँ पे 3 जन को बैठ सकते हैं आप, और यहाँ पे अलग से आर्मरेस्ट भी है, और यहाँ पे 2 कफ होल्डर्स, इसे अंदर करके आप एक और बीच में बिठा सकते हैं किसी को भी। सो यहाँ पे भी कैबिन लाइट जो लगी हुई है ये भी एलईडीज में है पीछे साइड भी, और यहाँ पे हैंडल दिया गया है पकड़ने के लिए, और यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है देख सकते हैं। अभी इसके पीछे भी चल के दिखाता हूँ आपको, पहले इसे अभी बंद करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा सीट को, फिर अंदर चलते हैं वहाँ पे भी देखते हैं कितना यहाँ पे बैठने के लिए सही है और कितना नहीं पीछे के साइड। सो अभी यहाँ पे मैं थर्ड रो में बैठ गया हूँ, यहाँ पे थर्ड रो की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल भी देख सकते हैं लेग स्पेस नहीं है, और यहाँ पे अगर आप थर्ड रो में बैठा रहे तो बच्चे बैठ सकते हैं यहाँ पे थर्ड रो में,
देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड रूम में बैठा हूँ मैं, यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। और यहाँ पे भी स्पीकर्स है थर्ड रूम में भी, और यहाँ पे भी लाइटिंग दी गई है और वो भी LEDs में है। महिंद्रा ने हर जगह पे इस बार LEDs दे के रखा है। यहाँ पे भी है लाइटिंग दोनों साइड है, और यहाँ पे हैंडल पकड़ने के लिए, और यहाँ पे प्लास्टिक का मैट है, देख सकते हैं प्लास्टिक मैट है, सॉफ्ट प्लास्टिक है, नॉट अ हार्ड। तो गाइस अभी इसका स्पीकर का आवाज़ सुनाता हूँ आपको, आप सभी को। इसमें 12 स्पीकर्स लगे हुए हैं चारों तरफ। तो गाइस अभी इसका स्पीकर का आवाज़ सुनाता हूँ आप सभी को, अभी आप सभी सुनो इसका स्पीकर का आवाज़। तो गाइस आज का कुछ ऐसा ब्लॉग था, और अभी स्कॉर्पियो क्लासिक का भी बाकी है, तो अभी उसको भी कवर करेंगे। सो गाइस अगर आज का वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर से लाइक करना। और आज के वीडियो में ज़्यादा मेरे हिसाब से कुछ बता नहीं पाया, क्योंकि इतना मुझे फ़ीचर भी नहीं पता था, और मतलब इतना फीचर भी नहीं पता था, और जितना मेरे को पता था उतना मैंने बताया आप सभी को। सो गाइस आज का वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना, भूलना मत। तो मिलता हूँ फिर से कोई नई से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।